दृष्टि ज्ञान विज्ञानी नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी नई राह क्रम मार्गी नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वणकम जय श्री कृष्ण जय स्वामीनारायण जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अभिप्राय की, ओपिनियन की, व्यू पॉइंट की। तो दोस्तों ये अभिप्राय वर्ड हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। हम कभी पॉजिटिव अभिप्राय देते हैं तो कभी नेगेटिव, कभी व्यक्ति के लिए तो कभी वस्तु के लिए, कभी रिश्तों के लिए तो कभी व्यवहार के लिए। तो दोस्तों ये अभिप्राय यानी कि ओपिनियन क्या है, कैसे फॉर्म होता है, क्या अभिप्राय रखना या प्रदर्शित करना ठीक है, चलिए समझते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। निरुमा अभी अभेद्यता की बात की आपने, बहुत अच्छा लगा सुन के। मेरा यह प्रश्न है कि दिनचर्या में ये बात सुनने के पहले मतलब घर में ऑफिस में सब जगह इंसान के लिए ओपिनियन बन जाता है कि ये ऐसे ही करता है, ये गलतियां करता है हमेशा, तो उससे कैसे निकलना? अभी जो ओपिनियन बन जाते वो हमेशा सामने आए तो पता है कि अभी ये करने वाला है ऐसा, तो उससे कैसे बाहर निकलने का? ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि ऐसा करेगा। जिस समय करता है उसी समय आप ओपिनियन बांध देते हो, अभिप्राय बांध देते हो, तो उसी समय आपने उसे अभिप्राय को तोड़ना चाहिए, उसका प्रतिक्रमण करो। या गलत है किसी के लिए गलत अभिप्राय बांधना, यही मेरी बड़ी सबसे बड़ी गलती है, वो तो कल उठ के सुधर जाएगा लेकिन मेरा अभिप्राय मुझे परेशान करेगा। और नियम है कि जैसा आपको अभिप्राय रहेगा ना वैसा ही आपको सामने से मिलेगा, तो क्यों ना हम खुद ही अभिप्राय से छूट जाए तो सामने वाला ऑटोमेटिक हमारे साथ नॉर्मली हो जाएगा। ये अनुभव करना है, देखो अनुभव करोगे तो आपको लगेगा अरे इससे जीत तो कितना आसान है, अभिप्राय तो प्रतिक्रमण से टूटते हैं। उसके लिए निरुमा स्टेपिंग क्या है, उसको निर्दोष देखना? नहीं नहीं प्रतिक्रमण ही करो, ये मुझे अभिप्राय उसका गिर रहा है वही मेरी गलती है, ऐसा करके प्रतिक्रमण शुरू करो और क्या क्या अभिप्राय है वो सब देखो, फाइंड आउट करो। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, आज हम बात कर रहे हैं अभिप्राय यानी कि ओपिनियन के बारे में। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि हम अभिप्राय कैसे बांध लेते हैं, क्या उसमें हमारे राग द्वेष काम करते हैं या फिर हमारे पिछले सारे एक्सपीरियंसेस? चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से अगले सेगमेंट में। राजेंद्र त्रिवेदी, अभिप्राय कैसे बंधाता है, सबको निर्दोष कैसे देखें, अपने संस्कार मान बुद्धि के अनुसार अभिप्राय बांधते ही है क्या? जहाँ अपना अहंकार का रक्षण होता हो तो अभिप्राय आ जाता है। निष्पक्षपाती दर्शन कैसे होते? ऐसा है अभिप्राय अहंकार से बांधता है आदमी, बुद्धि दिखाती है और अहंकार बांध देता है अभिप्राय। और अहंकार जब तक अहंकार की ओर आप अपनी दृष्टि नहीं जाती तब तक या अभिप्राय बंधे ही जाते हैं। और जैसे अभिप्राय बंधा जाता है तो अभिप्राय से मन भी बंधा जाता है। अभिप्राय जितने जितने बांधते जाते उतने उतना उतना मन बंधा जाता है, अभिप्राय से ही मन बंधा जाता है। जैसे कि किसी आदमी को आपने देखा, थोड़ा सा परिचय हुआ ने आपने उसका अभिप्राय बांध लिया कि यह आदमी तो बहुत 420 है, जरा भी इसके टच में आने की ज़रूरत नहीं है। फिर कभी भी आप किसी पार्टी में या शादी में या इवन रास्ते में भी आपने उसको दूर से देखा
वो आपके साथ बात करने भी नहीं आया, आप भी उसके साथ कुछ बात, इसलिए सिर्फ दूर से देखा उसको, तो भी आपको आपका मन उस समय बांधा जाता है मन, तो वो बताएगा कि ओ हो ये तो 420 है, दूर दूर ही रहो इससे। अभी आपको उससे साथ कुछ लेना ना देना कुछ नहीं है, फिर भी यह अभिप्राय आपके सामने पहले आकर खड़ा रह जाएगा, शायद वो ऐसा हो या ना भी हो, और अगर हो तो भी वो अपना पश्चाताप करके प्रायश्चित करके एकदम सुधर भी गया हो, लेकिन आपका अभिप्राय तो आपके पास ही रहता है, आप उसमें से जिंदगी भर नहीं निकल पाते, इसमें आपका ही नुकसान है सब। और फिर उसे कभी निर्दोष भी नहीं देख सकते हो, अभिप्राय जब तक उसके कोई किसी भी व्यक्ति के प्रति रहा तो आप उसको निर्दोष कैसे देख पाओगे। तो आपका जो दूसरा प्रश्न है कि सबको निर्दोष कैसे देखें, दृष्टि बहुत विशाल होनी चाहिए, हर कोई आदमी अपने कर्म के हिसाब से चल रहा है, जो भी कुछ करता है अपने कर्म के हिसाब से करता है, तो फिर हम उसे दोषी कैसे देखें। और आज कुछ उल्टा कर रहा है कर कुछ कर्म उसका, फिर उसका कर्म तो बदलता रहता है, थोड़े दिन के बाद उसका कर्म, थोड़ी घंटों के बाद भी उसका कर्म तो बदला जाएगा, फिर और दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, वैसे के वैसा तो नहीं कर सकेगा। लेकिन हम तो अभिप्राय उसने एक बार जो किया उसके लिए ही वही अभिप्राय बांध देते हैं, लेकिन वह तो बदलते जाता है कर्म के अनुसार, तो हमें ही दिक्कत होती है, हम उसको दोषित ही देखते रहते हैं, और सामने आते ही हमको उसके प्रति द्वेष होता है, अभाव होता है, उसके प्रति हम प्रेम भाव से नहीं पेश आ सकते। और हम अंतिम दृष्टि तो यही है कि हर जीव जीव मात्र के अंदर परमात्मा विराजमान है, उस दृष्टि से देखें तो हमें भगवान ही विराजमान है, उस दृष्टि से देखें तो कोई दोषित ही नहीं दिखेगा। अपने संस्कार मन बुद्धि के अनुसार अभिप्राय बांधते हैं क्या? अभिप्राय अहंकार से बंधा जाता है, जहां अपना अहंकार का रक्षण होता है, अहंकार का रक्षण होता है तो आपका अहंकार वैसे का वैसा ही रहता है, वो और बढ़ता जाता है, कम नहीं होता है। जहां भी अहंकार का रक्षण हुआ तो किसी भी चीज का आप अगर रक्षण करो तो वह चीज बढ़ेगी, जाएगी नहीं, खत्म नहीं होगी। अहंकार कहो, बुद्धि कहो, कुछ भी कहो, बुराइयां कहो, आदतें, बुरी आदतें कहो, आप उसका रक्षण करोगे तो उस बुराइयों का उसको एक्सटेंशन मिलता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, आज हम बात कर रहे हैं अभिप्राय के बारे में। निरुमा, ये जो लोगों के लिए हमें जो नोंद गिर जाती है, अगर मान लीजिए किसी ने अच्छा किया या किसी ने बुरा किया, तो जो नोंद हो जाती है, तो वो हेल्पफुल है या नहीं है? बिल्कुल हेल्पफुल है, अच्छा है तो ठीक है, उतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन बुरे के लिए हो गई ना तो आपको बहुत परेशान करेगी, भुगतना बहुत होगा उसकी वजह से। सब कुछ भूलने की बात है, सब सारा दिमाग पे याद रख के, सारी बुराइयां सारे दुख दिमाग में याद रख के हम भूतकाल में हुए दुखों अभी वर्तमान में भी ले आए, और भुगतना उतना का उतना ही जारी रखे, उसे क्या फायदा। नोंद यानी नोट डाउन जो हो जाता है ना अंदर कलेजे में, तो वो नोट डाउन जो होता है तो इतना स्ट्रांगली अंदर नोट डाउन हो जाता है, कहते ना मेरे कलेजे में लिख गया, अभी मरते दम तक नहीं जाएगा, ऐसा हो जाता है नोट डाउन में, नोंद में, तो नोट करता है तो इससे नुकसान किसको होता है? आप खुद को ही तो होता है, औरों को थोड़ी होता है, खुद को होता है, भुगतना भी खुद को होता है ना। और ये नोंद में तो ऐसा होता है कि ये जो भुगतना जब जिस 5 से 15 साल पहले कुछ हुआ होता, वही प्रसंग आज
याद करके उतना ही दुख अभी ही हुआ है ऐसा ही उसको फील होता है, महसूस होता है और उतना ही भुगतना होता है। ये तो सब भूलने की बातें हैं। क्या अच्छी बातें याद रखो, इन बात इन बुरी बातों को याद रखकर क्या फायदा। याद रहे तो भी इतना नुकसान नहीं, लेकिन ये नोट डाउन कर हो जाता है ना, कलेजे में नोट डाउन हो जाता है, वो बहुत तकलीफ करता है। उसे बहुत राग द्वेष होते हैं, द्वेष ही ज्यादा होता है, कोई फायदा नहीं है उससे। और अगर हो ऐसा कहीं किसी व्यक्ति के लिए हो गया हो तो उसको खूब उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करो, ये चीज बुरी है, मुझे इसमें से बाहर निकलना है, मुझे किसी का कोई याद रखना नहीं है, किसी की गलतियां देखी उसके लिए पश्चाताप होना चाहिए। निरुमा, अच्छे के लिए नोंद रखना जरूरी है कि वो भी भूल जाए तो अच्छा? नहीं, अच्छा के लिए नोंद नहीं, पर लेकिन वो अपने उपकार जो करते हैं हमारे लिए, अच्छे में उपकार जो हमारे पे करते हैं वो उपकार को हम हमेशा याद रखो। और तो सब भूलने का ही है, सिर्फ किसी का उपकार है वो नहीं भूलना चाहिए, उसकी कीमत है, बाकी तो सब भूलने की बात है। प्रिजुडाइस किसको बोलते हैं? जिसे जो हमारे अभिप्राय हो जाता है, अभिप्राय बन जाता है उसको प्रिजुडिस कहते हैं। फिर वैसा ही उसके लिए हमारा दिमाग सोचता है, उसी दृष्टि से ही देखता है। जैसे प्रिजुडिस, जिसका जैसा प्रिजुडिस हो जाता है, वो प्रिजुडिस के हिसाब से ही वो व्यक्ति हमें वैसे ही दिखती है। अगर उसमें बदल हो गया या सुधर गया तो वो नहीं दिखेगा हमको, और पहले हमने उसके लिए जो अभिप्राय बंधा था वो अभिप्राय के हिसाब से हमारा जो प्रिजुडाइज माइंड हो गया, वो प्रिजुडाइज माइंड के हिसाब से ही वैसा ही वो दिखता रहेगा, हमेशा वैसा ही दिखेगा। जब तक हमारी प्रिजुडाइज नहीं निकल जाएगी तब तक दिखते रहेगा। तो हम इस प्रिजुडाइज भी अच्छी चीज़ नहीं, अभिप्राय निकाल दो, खाड़ के फेंक दो। आज ऐसा है कल वो बदल जाएगा, आज बुरा है कल अच्छा हो जाएगा, हम ऐसे के वैसे रह जाएंगे प्रिजुडिस वाले। और ये तो पता नहीं कौन कब सुधर जाए, किसी का कब अच्छा हो जाए, हम हमारा ही अच्छा होना सोचे, हम क्यों हमारा बिगाड़े। वो तो निरुमा एक्सपीरियंस में आता है कि बचपन में जब रिलेटिव्स के घर जाते थे, मामा के घर, और वहां पे कोई प्रसंग देख लिया तो, या मामा अपने बेटे को मारते थे तो वो एकदम वो डर जैसा बैठ जाता है, या प्रिजुडाइज के नहीं भाई उनके घर कभी नहीं जाना है, तो वो ये टीवी में देखने से या पता चला कि ये प्रिजुडाइज बोलते हैं, अब इसमें से बाहर निकलने की कोशिश तो करते हैं पर और आगे क्या पुरुषार्थ करके इसमें से 100% बाहर निकल सके, मतलब यही वो अभिप्राय ही तोड़ते जाना है हर वक्त, उसको ही तोड़ते जाना, जब भी आएगा उभर आएगा तभी उसको काढ़ के फेंक देने का। ये गलत है, इसमें मुझे गिरने की जरूरत नहीं है, मेरा इसमें सहमति नहीं है, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ, मेरी इसमें साइन नहीं है, सही नहीं है, तो हम उससे बाहर निकल सकते हैं हौले हौले। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना कि अभिप्राय अहंकार से बनता है, और बुद्धि ने जहां पर सुख माना वहीं पर राग द्वेष होता है और अभिप्राय बनता है, वही तो संसार बंधन का कारण है। और इसी बंधन से छूटने के लिए सुनना ना भूले नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1-877-505-3232 extension 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव। जय सच्चिदानंद। नई राह।